हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर 5 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि द लेटर्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स्ट्रा यूज्ड इन एलजेब्रा, ये सब एलजेब्रा में यूज होता है। द लेटर्स एक्स वाई जेड P, Q and R extra are used in algebra. Algebra, ठीक, यही सारे letters जो होते हैं algebra में use होते हैं। अब जैसे हो गया, जैसे कोई भी equation दिया हुआ है उसी वो जो है एक्स वाई जेड के टर्म रहे या फिर पी क्यू आर के टर्म में। जैसे एक इक्वेशन दिया है 3x² + y + 2z, तो देखिए इसमें x भी है y भी, और यदि यहाँ पे हम p भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई या q एक्स वाई जेड या पी क्यू आर के टर्म में रहता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ पोलीनोमियल्स क्या होता है, पोलीनोमियल्स। अ पोलीनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल विच एक्सपोनेंट आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब यही जो पोलीनोमियल है, जैसे ये वन में भी हो सकता है, जैसे पोलीनोमियल जैसे एक पोलीनोमियल क्या होगा, इसमें भी हो सकता है 3x² + y भी हो सकता है, या फिर ये 3 digit में भी हो सकता है, तो कोई भी पॉलीनोमियल हो सकता है। अब जैसे देखिए एक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ठीक क्या है, पहला क्या है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन। अ पॉलीनोमियल हैज अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सिंगल टर्म होना चाहिए, जैसे कि 2x हो गया मान लीजिए, 3y या 5z, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल मोनोमियल्स। ठीक, अब बाई का, अगर बाई की बात की जाए, बाइनोमियल्स का मतलब, बाई का मतलब होता है टू। अ पॉलीनोमियल विथ टू टर्म्स, जिनके टू टर्म्स होने चाहिए, जैसे कि x + y, ठीक, जैसे कि p + 2p + q² मतलब कुछ भी जो है ये टू की टर्म में हो, तो ये क्या होगा बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं, तो ट्राइनोमियल इसमें 3 होना चाहिए। अ पॉलीनोमियल कंसिस्टिंग अ 3 टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, उसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे कि देखिए x² + 2x + x² + 2y + 3z हो सकता है, या जेड एक्स्ट्रा कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 3। जैसे कि एक एग्जांपल और लिख देते हैं, x³ + x + 5, तो ये क्या हो गया 3, तो मतलब ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है सिंगल, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब से टू टू पार्ट, उसमें 2 टर्म होने चाहिए, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होने चाहिए।
अब इसी के बेस पर अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा एड एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जीरो, यहाँ होगा माइनस माइनस, थ्री है थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट जीरो। अब देखिए, अब ये तीन टर्म में दिया, एक टर्म, ये दो टर्म और थ्री टर्म, अब इसको हमको ऐड करना है, एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव एक्स एक ब्रैकेट में प्लस टू दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड, और थर्ड ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट जेड। अब हम एक्स एक्स को एक किना एक साइड कर लेंगे, एक ये एक्स प्लस टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री एक्स, इसमें से हम क्या है माइनस टू वाई माइनस वाई और उधर क्या है प्लस थ्री वाई। अब हम जेड को एक साइड कर लेंगे, फाइव एक्स प्लस थ्री जेड माइनस एट जेड, ठीक है। अब देखिए इसमें तो सारे प्लस वाले हैं, तो थ्री टू फाइव एट सिक्स, मतलब सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसकी लगेगी इसकी, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई प्लस फाइव थ्री एट जेड माइनस एट जेड हो गया आंसर इसका सिक्स एक्स प्लस इसका, ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ज़ीरो, और ये भी इससे चला जाए तो क्या हो गया ज़ीरो, तो हमारा आंसर क्या हो गया सिक्स एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसको एक बार करिए, दो बार करिए, फिर खुद ही सब समझ में आ जाता है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर कॉमा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy 4x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको भी उसी टाइप से करना है, 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y प्लस कैड है तो प्लस लिख देना है हमको, इसको हम एक साइड लिख देंगे, और फिर एक एक्स एक्स का एक साइड करेंगे और वाई वाई का एक साइड, जो जैसे जैसे टर्म में है वैसे उस टर्म में हमको एक साइड करना है। अब जैसे ये 4x स्क्वायर एक टर्म, अब इसमें क्या है x स्क्वायर वाला हमको लाना है, ये इधर लाना है प्लस x स्क्वायर
इसमें एक्स स्क्वायर वाला 4x² ये ब्रैकेट बंद। अब प्लस हमको एक्स वाई वाला लाना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई माइनस 5xy एक्स प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। ठीक, अब हमको ये y वाला लाना है माइनस 2y² माइनस y² माइनस 3y² फोर फोर ए ठीक 9x² प्लस ये माइनस में है ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस तो 6x ब्रैकेट में लिखेंगे 6x² लेकिन माइनस की साइन ये बड़ा तो लगेगा प्लस 2xy। उधर क्या है माइनस 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 तो ये दोनों को माइनस माइनस प्लस माइनस 3y² माइनस 3y² तो 9x² प्लस ये बाहर आएगा ये होगा तो 4 होगा 6 में 2 के 4 लेकिन माइनस साइन तो माइनस बाहर प्लस ब्रैकेट माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन सॉरी ये प्लस था ना। तो प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आ गया 0 तो क्या हुआ 9 हल दे रही हूँ अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो इसका आंसर क्या आया 9x² माइनस 4xy ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है देखिए हम जो है एक्स स्क्वायर वाला सब एक साइड कर लिए फिर एक्स वाई वाला एक साइड कर लिए फिर क्या बचा वाई स्क्वायर वाला एक साइड कर लिए बस उसके सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट क्या है x² माइनस 5x प्लस 2 फ्रॉम 6x² माइनस x प्लस 5 सब्सट्रैक्ट करना इससे फ्रॉम इससे तो क्या होगा 6x² माइनस एक्स प्लस 5 ये एक ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है अब इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 6x² करना तो हमको उसके आगे प्लस का साइन लगा है तो प्लस माइनस तो माइनस x² माइनस x² उसके बाद क्या बचा माइनस x अब ये x तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 5x अब यहाँ 5x प्लस आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो इसके साथ ये एक्स आया इसके माइनस माइनस प्लस 5y x हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 हो गया ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ इसको हटा भी सकते हैं कोई यूज़ नहीं इसका
देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ हो गया 5x² माइनस ये तो प्लस में है ना बड़ा, तो यहाँ होगा प्लस 4x प्लस 3। चलिए सब्सट्रैक्शन करिए, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन है ए माइनस 3b प्लस 2c एंड बी माइनस 2a प्लस 3c फ्रॉम ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो p हो गया वो क्या हो गया, p इज इक्वल टू ए माइनस 3b प्लस 2c और पी क्यू मान लीजिए क्यू क्या हो गया बी माइनस 2a प्लस 3c। ठीक है, और पी क्यू आर क्या हो गया यहाँ पे हमारा a माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है r माइनस पी प्लस क्यू, ये हमको फाइंड आर की वैल्यू क्या है। ठीक, ये आर की जगह पे क्या लिखना है हमको, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट में पी की जगह में ए माइनस 3b प्लस 2c प्लस क्यू की जगह पे क्या लिखना है बी माइनस 2a प्लस 3c। ए माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में a और a, ये दोनों a, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये बड़ा है तो यहाँ माइनस a आ गया, माइनस 3b और प्लस 3b तो माइनस 2b, ये तो 5c। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, a माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस 2b और माइनस प्लस माइनस 5c। ए के ए के 2a हो गया माइनस माइनस, ये प्लस में है बड़ा है तो ये प्लस बी क्योंकि यहाँ सिंगल बी, 2b से 1b माइनस करेंगे तो बी, और यहाँ पे ये माइनस की साइन लें क्योंकि बड़ा है 5c और 5c माइनस ये तो और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उसको दो बार करिए चार बार करिए ऑलरेडी अपने आप सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आती है।
नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियर. क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3x² बाय 5x³. ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है. वह 3x² मल्टीप्लाई बाय 5x³, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5 एक ब्रैकेट में हो गया. अब ये x की पावर क्या है, x ये भी मल्टीप्लाई में x² मल्टीप्लाई x³, और मल्टीप्लाई में क्या पावर ऐड हो जाते हैं, तो 3 5 15 हो गया. 15 की पावर x की पावर 2+3 क्या हो गया, 15x⁵. ठीक, अब इसी के क्वेश्चन और क्या है, 3/5x² वाई मल्टीप्लाई बाई 15/4xy³. ठीक, अब 3x 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15/4 एक साइड हो गया, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई. फाइव थ्री जा 15, 3 3 9 बाई 4, एक्स की पावर 2 और ये 1, तो मतलब x की पावर 2+1, y की पावर 1+3, x की पावर 3, y की पावर 4, ये क्या हो गया हमारा आंसर. मोनोमियल मतलब एक एक, जैसे कि मोनो ए अकेला, ये अकेला, दोनों मिलके मल्टीप्लाई. अब इसी तरह बाइनोमियल से देखते हैं. बाइनोमियल, अब हम मोनोमियल देखें, अब हम देखेंगे बाइनोमियल. बाइनोमियल ठीक, बाइनोमियल में क्या है, AB+BC बाई 2C. ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो ये बायोमियल है मतलब दो, इसमें टू टर्म्स है, इसका मल्टीप्लाई पहले हम एक बार इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, तो AB+BC मल्टीप्लाई बाई 2C. अब इसका मल्टीप्लाई एक बार हमको इससे करना है, फिर एक बार इससे करना है, तो AB मल्टीप्लाई बाई 2C प्लस BC मल्टीप्लाई बाई 2C. तो क्या हुआ हमारा, 2 AB C प्लस 2 BC पावर. ठीक, ये हमारा काम. इसमें अगर एक मेथड, अगर आप इसको ले कुछ बाहर, जैसे कॉमन क्या है इसमें, 2 2 इसमें भी है, 20 में 20 में भी है, C में C में भी है, तो ब्रैकेट में A, यहाँ A बचा, वहाँ C बचा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप.
देखिए आप जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए पहले ए से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक, माइनस क्योंकि माइनस से माइनस, इससे करेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए कुछ फॉर्मूला है उसको करवाते हैं, उसी के बेसिस से आगे सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए चलिए फॉर्मूला करवाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें करना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है कि हमको ये ला देना है। ठीक, कैसे करेंगे इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट, ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक बार, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी का इससे करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा निकल गया। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले वो इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे होंगे। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, नेक्स्ट है ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये लाना है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करके ये लाना है। इसको कैसे करना है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, अब ए का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी का करेंगे माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए हो गया ना। अब थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको क्या करना था, या इसका क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई से ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी
और एक में a माइनस b, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर x प्लस टू, ये क्वेश्चन दिया है x प्लस टू फर्स्ट क्वेश्चन ना। अब इसको हमको स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे तो ये x प्लस, तो अगर स्क्वायर लगा दे तो x प्लस टू, या इस तरह कर सकते हैं जिसमें फॉर्मूला था ना वहाँ x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x प्लस 5 का स्क्वायर, इसको भी उसी फॉर्मूला पर रख देना है। a का स्क्वायर पहले क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 2 3 15 15 5 75x प्लस 25, सॉरी 2 3 6 6 5 30, अब जैसे फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग का है 2a माइनस 5q, 2a माइनस 5q। अब इसको सॉल्व करना है हमको, एक बार इसका मल्टीप्लाई से होगा तो 2a माइनस 5q मल्टीप्लाई बाई 2a, ठीक, माइनस बीच में माइनस लगेगा क्योंकि दोनों साइड में माइनस दिया हुआ है, तो 2a माइनस 5q मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 4a स्क्वायर माइनस 5 5 2 10 a क्यू माइनस 5 5 25 स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 20a क्यू और प्लस 25q स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वही जो थ्री फार्मूलाज बताएं उन्हीं तीनों फार्मूला पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन। जैसे विदाउट मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन
find the value of the following. Run 0 to the square. 2 का स्क्वायर जैसे विदाउट मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस 2 का स्क्वायर, तब देखिए 100 प्लस 2 एक ब्रैकेट में का स्क्वायर, अगर इस तरह कर सकते हैं आप ये फिर इस तरह करिए, देखिए फॉर्मूला क्या है, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2 to the 4 400 plus 2 to the 4 4 0 4, ये हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन और क्या दिया, 98, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 2, बस 100 माइनस 2 और 100 माइनस 2 और इसी तरह एकदम सॉल्व कर देना है, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस सॉरी ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab टू टू सर फोर फोर जीरो फोर जीरो वन सॉरी माइनस माइनस अगर ये दोनों फोर जीरो 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 फोर नाइन सिक्स जीरो फोर नाइन सिक्स जीरो फोर उसे एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन फैक्टराइज में क्या है कि जैसे कि दिया हुआ है कि जो कॉमन फैक्टर हो उनको बाहर कर लेते हैं, बाकी जो अलग अलग जैसे जिस टर्म में जैसे जैसे अलग अलग है उनको एक ब्रैकेट में, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं फैक्टराइज में क्या है, क्वेश्चन वन क्या दे रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर, अब इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन हो गया ए इसमें ठीक, बी इसमें बी इसमें, तो यहाँ क्या बचा, ए यहाँ बचा वहाँ बी, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। जैसे अभी क्वेश्चन और क्या दे रहा है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy माइनस 3xy, अब इसमें कॉमन क्या है, 3 2 6 3 3 9, अगर हम 3 बाहर लिख लेते हैं, 3 बाहर हम ले लिए ठीक, x इसमें भी है x इसमें भी x इसमें भी, y इसमें y इसमें y इसमें y, 3xy हम बाहर कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ पे हमारा xy तो बाहर आ गया, 3 2 2 मतलब 3 2 6 और फिर xy माइनस xy हमारा बाहर कॉमन आ गया, 3 3 3 9 3 3 9 xy और ए केवल एक, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइज। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा चैप्टर फिनिश हो गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में तो एक बार करिए, दो बार करिए, नहीं कमेंट में आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।